नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो अब हम मैथ की ऑनलाइन फ्री क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के एक दो सवालों के जवाब दे देता हूं जल्दी से, फिर हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। हम आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि क्या ये क्लासेस हमेशा फ्री रहेंगी या आरंभ में फ्री रहेंगी, बाद में इनको पेड कर लिया जाएगा। नहीं बच्चों, हमारा ऐसा बिल्कुल कोई भी मोटिव नहीं है, इनको कभी पेड नहीं किया जाएगा, ये हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए फ्री रहेंगी। और कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि ये लेक्चर किस तरीके से आते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल पर या किस तरीके से। तो देखिए, अभी इस बारे में मैं आपको कोई सॉलिड टाइम टेबल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना है कि ये लेक्चर आपके पास रेगुलरली आते रहेंगे। अभी हम डेज कोई फिक्स नहीं कर पाए हैं, आगे जब हम डेज फिक्स कर पाएंगे तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और एक चीज़ और कि अक्सर बच्चों ने मुझसे एक ये सवाल भी पूछा इन क्लासेस के बारे में कि मैं पहला लेक्चर या पहला चैप्टर कौन सा करवाऊंगा, पहले क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहले परसेंटेज, जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है अर्थमेटिक का, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ बच्चों की डिमांड है कि हम एडवांस से स्टार्ट करें, कुछ की डिमांड है हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अर्थमेटिक और एडवांस हम पैरेलल चलाएं। परसेंटेज चैप्टर हम शूट करने के बाद जब अपलोड कर दें, उस समय पर हम एलजेब्रा, जो एडवांस का पहला चैप्टर रहता है हमारा, उसको शूट कर रहे हैं, और हम एडवांस और अर्थमेटिक को दोनों को पैरेलल चलाएं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो ये जो वीडियो है आपका, ये पहला प्रतिशत पर है, परसेंटेज पर है। हमारा आज फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास जो होगी ये प्रतिशत चैप्टर की होगी। तो आइए बच्चों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परसेंटेज। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग जो भी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पर, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊँगा यहाँ पर, वो आपकी स्क्रीन पर साथ साथ भी आते रहेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्वेश्चंस की पीडीएफ या गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया रहेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस फाइल का जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने फ़ोन में ही एक्सेस कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या जैसे भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप तक अगर ये ऑनलाइन क्लासेस पहुँचें तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास हो, और वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास हो अच्छे तरीके से, और फिर आप यहाँ बोर्ड पर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो अच्छे तरीके से आप उस सॉल्यूशन को समझ पाएं, ये कोशिश है हमारी। इसके अलावा मेरा फेसबुक एड्रेस जो है वो भी इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया रहेगा, और उस फेसबुक पर भी उन लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ फाइल्स होंगी, जितने भी गूगल ड्राइव फाइल्स होंगी, उन सभी को अपलोड किया जाएगा। जो इस वीडियो का नाम रहेगा, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसी सेम डिस्क्रिप्शन सेम नाम से ये फेसबुक पर भी अवेलेबल रहेंगी। तो आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या वीडियो को देखने के साथ साथ भी आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वीडियो को पॉज करके उनको नोट डाउन करते चलें साथ साथ। और इसके अलावा हम फेसबुक पर टाइम टू टाइम वीडियो, पर्टिकुलर किसी भी वीडियो के लिए, साथ साथ एक स्टेटस के रूप में या किसी भी तरीके से एक लिंक डालेंगे जहां पर आप अपने उस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो बाद में हम उन सभी क्वेरीज को एक जगह पर सॉर्ट आउट करके एक वीडियो ऐसी बनाकर आखिर में डालेंगे चैप्टर के, जिसमें कि इन सभी वीडियोज के दौरान आपके जितने भी डाउट्स रह गए होंगे, अगर आपको कुछ भी पूछना रहा होगा और कोई बात अगर नहीं क्लियर हो पाई होगी, कॉमनली अगर कुछ स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेरी आएगी, तो वो वहां पर क्लियर होती चलेगी। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सब चीजों के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। देखिए दोस्तों,
मैंने ये लिखा आपके सामने 1/2, 1/2, दिस इज अ फ्रैक्शन, ये एक भिन्न है, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं इसे, हिंदी में भिन्न कहते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे में हर, ये कहलाता है आपका। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो दोस्तों, तो आप जानते हैं बहुत साधारण सी बात है कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए और वो उसकी प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर हमें कोई प्रतिशत गिवन है, प्रतिशत मान लीजिए 50% हमें गिवन है, 50%, तो किसी भी प्रतिशत को 100 से भाग करिए तो ये उसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से देखिए एक और फ्रैक्शन देखते हैं हम, 1/4 मान लीजिए आपको दे रखा है, तो आप इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी प्रतिशत बता देगा आपको 25%। और अगर 25% 25% दे रखा है तो इस 25% को आप 100 से भाग कर देंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन बता देगा आपको 1/4। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है, होपफुली आप लोग सभी इस बात को जानते होंगे कि किस तरीके से किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बढ़ाया जा सकता है और किसी प्रतिशत को उसकी फ्रैक्शन में बढ़ाया जा सकता है। एक दो और देखते हैं दोस्तों, 1/6 जैसे, 1/6, क्योंकि अभी तो ये सारी जो हमने फ्रैक्शन लिखी दोनों ये ऐसी थी जो 100 को पूर्णतः भाग कर दे रही थी। अब ऐसी एक फ्रैक्शन लेते हैं जिससे कि 100 पूर्णतः भाग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, करेंगे तो यहां पर भी वही 1/6 इंटू में 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये पूरा तो भाग होगा नहीं, आप जानते हैं, कोई बात नहीं, जितना ये भाग हो जा रहा है आप उसको उतना सॉल्व कर लीजिए। आपने 2 से सॉल्व किया, ये आएगा आपका 50/3%। लेकिन आप जानते हैं इसको इस तरीके से लिखा नहीं जाता, इसको और सॉल्व किया जाता है, और ज़्यादा सॉल्व करके आप इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 16/2/3%। पॉइंट्स में नहीं लिखना है, सही बटे में ही लिखना है। एसएससी पॉइंट्स में बहुत कम बातें करता है, सही बटे में ही वो ज़्यादा बातें करता है। और उसके बाद देखिए, अगर आपको 16/2/3% दे रखा हो कहीं पर और इसकी फ्रैक्शन अगर आपको बनानी रहे तो देखिए, पहले इसके जो ये सही बटे हैं इसको सॉल्व करेंगे, 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 50, 50/3%, इसको ऐसे लिखा जाएगा 50/3%। नाउ अब इस प्रतिशत को तोड़कर नीचे आप 100 लगा देंगे इसके, 50/3 × 100 ये हो जाएगा आपका 2, एंड फाइनली द फ्रैक्शन विल बी 1/6। Yours. एक और उठाते हैं, जैसे 1/15 है आपका, 1/15, तो इसको आप 100 से गुणा कर लेंगे, पूरा तो कटेगा नहीं, ये 20 पे चला जाएगा, 5 से ये 3 पे चला जाएगा, इट विल बी 20/3%। इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ये आपका सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 6/2/3%, कुछ इस प्रकार से। और अगर हमें 6/2/3% दे रखा होता और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो पहले इसको सॉल्व करते, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, 20/3%, प्रतिशत का निशान तोड़ के नीचे 100 ले आएंगे, 20/3 × 100, 20 से 100 5 पर कट जाएगा, एंड इट विल बी योर 1/15, 1/15। तो दोस्तों हमने ये देखा बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, कि हम किस तरीके से किसी फ्रैक्शन को उसकी प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी प्रतिशत को उसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फ्रैक्शन को प्रतिशत में और प्रतिशत से किसी भी फ्रैक्शन को बना सकते हैं, उसी तरीके से मैंने आपके सामने कुछ फ्रैक्शन और उनकी प्रतिशतें बनाकर लिखी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये जितनी भी फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी गई हैं, ये सबसे बेसिक फ्रैक्शंस हैं आपकी, जिनको एसएससी अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, रेशियो की, मिक्सर एंड एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, इन सभी चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो उनमें एसएससी ज़्यादातर इन सभी बेसिक फ्रैक्शंस की बात करता रहता है। ये आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/11, 16, दिस, ये सभी आपके बेसिक फ्रैक्शंस हैं। तो क्या है कि अगर आप इन फ्रैक्शंस को याद रखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद आगे चलकर आने वाले चैप्टर्स में मिलेगी। तो आप
इन इतनी फ्रैक्शंस को याद रखें। और देखिए दोस्तों, इन इतनी फ्रैक्शंस को याद रखने से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं फ्रैक्शंस को इस्तेमाल कर पाएंगे पेपर में, नहीं। मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से अगर आपको ये बेसिक फ्रैक्शंस याद हैं तो आप इनसे कई गुना, 10-15 गुना ज्यादा फ्रैक्शंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस को और उनकी प्रतिशतों को देखा, तो अगर आप उन बेसिक फ्रैक्शंस को याद रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए पेपर में बन जाता है 2/7 और हमने याद किया था 1/7, तो देखिए वो यहां पर भी काम आएगा। अगर पेपर में 2/7 बन जा रहा है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए होता क्या है, मैं आपको पैटर्न बताता हूं कि किस पैटर्न में हमारा सवाल चलता है। जो एसएससी आपको सवाल देगा उसमें जो आंकड़े होंगे, जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, जो डाटाज होंगे, वो ज़्यादातर जो मैनिपुलेशन हो रहा होगा वो प्रतिशत में वो देगा। जिन भी डाटाज का उसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो परसेंटेज में देगा, प्रतिशत में देगा। लेकिन हम जो मेथड करेंगे वो ज़्यादातर सभी फ्रैक्शन पे काम करेंगे, फ्रैक्शन भिन्नों पर काम करेंगे, तो हमें किसी भी प्रतिशत को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा और फिर जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो है वो हमारा फ्रैक्शन में ही आएगा। क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं कि ऑटोमेटिकली कोई फ्रैक्शन किसी प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। आंसर जो आएगा वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा, लेकिन जब आप एसएससी का आंसर देखने जाएंगे ऑप्शन में से तो वो आपको परसेंटेज में मिलेगा, वो आंसर आपको परसेंटेज में मिलेगा। तो मतलब क्या, एक ही क्वेश्चन में आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये प्रोसेस करनी पड़ सकती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए हम पहले ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कम टाइम में परसेंटेज से फ्रैक्शन बना लें और फ्रैक्शन से प्रतिशत बना लें, क्योंकि फ्रैक्शन से आंसर को फ्रैक्शन में लाने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमारा टाइम प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत जाने में ना लगे, हम उस टाइम को, चाहे वो 1 सेकेंड है चाहे वो 2 सेकेंड है, हम उस टाइम को सेव कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर 2/7 आ गया, मतलब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर 2/7 बन गया। अब हमने तो जो बेसिक फ्रैक्शंस लिखी थी उसमें 2/7 था नहीं, उसमें 1/7 था आपको, तो देखिए 1/7 यहां पर काम आएगा। आप पहले 1/7 की वैल्यू लिखिए, 1/7 की प्रतिशत लिखिए, ये रहती है आपकी 14/7%, 14 सही 2/7%। लेकिन ये 1/7 की प्रतिशत होती है आपकी, जबकि हमने क्या लिखा है यहां पर 2/7, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2/7 की। तो आप ये देखिए, यहां 1 की जगह जो भी लिखा गया है आप उससे मल्टीप्लाई करवा दें, एक यहां और एक यहां, दो जगह पर मल्टीप्लाई करवा दें और ये बन जाएगा आपका 28 सही 4/7 प्रतिशत। तो दोस्तों ये होती है 2/7 की प्रतिशत। तो इस तरीके से अगर आपको 1/7 की प्रतिशत याद है तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, 4/9, 4/9, हमने तो 1/9 की वैल्यू याद की है, 1/9 की वैल्यू रहती है आपकी 11/9%, जबकि यहां पे क्या बन गया आपका 4, तो आप यहां 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 44, 4/9%, और ये होती है दोस्तों 4/9 की परसेंटेज। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा, अगर आपको 1/9 की प्रतिशत याद है, जो हमने इससे पहले लिखे हैं सारे, अगर आपको 1/9 की प्रतिशत याद है तो आप 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विच रिप्लेस्ड द न्यूमिनेटर 1 एट द प्लेस ऑफ द बेसिक फ्रैक्शन, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर।
अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक पॉइंट और बाकी रह जाता है, मैं उसके बारे में और बात करता हूं। उसके बाद आप जितना मर्जी आए उतनी फ्रैक्शंस इससे ड्राइव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जैसे मैं लिखता हूं 3/8, 3/8। अब हमें 3/8 को ड्राइव करना है, तो 1/8 की प्रतिशत रहती है आपकी 12 सही 1/2%। तो यहां पे एक की जगह क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर और एक यहां पर, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हो जाएगा आपका 36 3/2%, 36 सही 3/2%। लेकिन ये अभी पूरा आंसर आया नहीं, वैसे तो हमने जैसे जैसे सीखा बिल्कुल वैसे वैसे ही किया, लेकिन ये आंसर जो है 36 सही 3/2%, ये पूरा आंसर नहीं है अभी। अगर आप ध्यान देंगे, पिछले जो दो हमने ड्राइव किए थे, एक था 28 सही 4/7% और एक था 44 सही 4/9%। इनमें दोनों में अगर आप देखें तो जो ये फ्रैक्शन है 4/7, 4/9, इसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से छोटा ही होना चाहिए, बिकॉज जो न्यूमिनेटर है वो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, और जो डिनोमिनेटर है वो वह संख्या है जिससे आपने भाग दिया है। तो जिससे हम भाग देते हैं रिमाइंडर, उससे छोटा ही आएगा तभी तो वो रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां अगर आप देखें तो ये उल्टा हो गया आपका, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको ठीक करेंगे, ठीक कुछ इस तरीके से करेंगे, आप देखेंगे कि आप इस फ्रैक्शन को जो ये 3/2 लिखा हुआ है, जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है, इसको अगर आप एक बार और सॉल्व करें, एक बार और भाग करें, तो ये एक बार और सॉल्व हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3/2 को आप सॉल्व करके लिखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 36 एंड 1/2%। दिस एंड नाउ ये जो चीज रहती है आपकी, ये इसके अंदर ऐड हो जाती है, नाउ इट बिकम्स 37 1/2%। ये होता है दोस्तों 3/8%। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/7, 4/7, तो 1/7 की प्रतिशत रहती है आपकी 14 2/7%। यहां पे क्या लिखा हुआ है एक की जगह 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दो जगह, एक यहां और एक यहां पर, ये हो जाएगा आपका 56 8/7%, 56 सही 8/7%। अगेन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दिस इज नॉट राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे, 8/7 को आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 सही 1/7, 1/7 आप यही लिखेंगे, 56 एंड 1/7%। ये एक जो है इसमें ऐड हो जाएगा आपका, एंड नाउ इट बिकम्स 57 1/7%, विच विल बी योर 4/7। तो देखा दोस्तों आपने कि एक ये पॉइंट और इसके अंदर होता है, इस पॉइंट को और समझ लेने के बाद, इस पॉइंट को और एक्टिव कर देने के बाद, आप बेसिक फ्रैक्शंस याद रखेंगे 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, 1/15 तक आप याद रख सकते हैं, इतना काफी है, मोर देन इनफ रहता है इतना। और उसके बाद अगर उस 1 की जगह न्यूमिनेटर कुछ भी चेंज हो जा रहा है, 3/8 बन गया, 4/7 बन गया, या कुछ भी और भी कोई फ्रैक्शन ऐसी बन जा रही है जिसका डिनोमिनेटर वही बेसिक नंबर है जिनको हमने याद रखा है, न्यूमिनेटर चेंज हो जा रहा है, तो न्यूमिनेटर से दो जगह पर मल्टीप्लाई करवा के हम उस प्रतिशत को ड्राइव कर सकते हैं, हम उस प्रतिशत को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत काम की चीज़ होती है, जब हम पेपर कर रहे होते हैं, हमारा आंसर आ चुका होता है लेकिन उसको प्रतिशत में मांगा जाता है, तब वहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ रहती है, ये बहुत यूजफुल चीज़ होती है। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर सोचेंगे ज़रूर, आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक स्टेप बढ़ गया, इस तरीके से इस 3/2 को सॉल्व किया, इस 8/7 को सॉल्व किया, मतलब जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाएगा तब एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, लेकिन पेपर में शायद आपको इस एक स्टेप को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एसएससी में जो ऑप्शन होते हैं वो कंफ्यूजिंग बहुत कम होते हैं, ऑप्शंस बहुत क्लियर होते हैं। मान लीजिए यही आ गया 3/8, तो आप मन में ऐसा सोचेंगे 1/8 की प्रतिशत रहती है आपकी 12 1/2%, 12 सही 1/2%, लेकिन वो होता है 1/8, और वहां क्या लिखा हुआ है 3/8, तो पहला नंबर क्या है 12, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, मतलब 12 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा आपस में, और 12 3 क्या बनेगा
36, 36, 36. तो आप ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि 36 या 36 के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है, आप उसे आंसर पिक करेंगे. तो सबसे नियरेस्ट आपको 37 1/2% ही मिलेगा. ऐसे ऑप्शंस बहुत कम बार मिलेंगे आपको जो 36 के नियरेस्ट हों सारे के सारे ऑप्शंस और कंफ्यूजिंग हो. और अगर कभी रेयरली किसी केस में ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिल भी गए तो बहुत छोटा सा स्टेप है, हम इसको परफॉर्म करके एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को अभी ड्राइव कर रहे थे. वैसे एसएससी में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी जो प्रतिशतें होती हैं वो 100 से ज़्यादा या काफ़ी बड़ी प्रतिशतें आ जाती हैं, उसको भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ. ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ है. अब कभी कभी अक्सर मेंस में किसी किसी एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल एसएससी करवा देता है आपसे. ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको उसने कहा 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको इस प्रतिशत को सॉल्व करके इसकी फ्रैक्शन लिखनी है, तब आपका वो क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा, वो तब आपका वो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. यहां आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले तो बहुत साधारण सी बात है, 100% दोस्तों, 100%, 100%, जo 100% होता है आपका, ये रहता है 100/100, मतलब क्या, अल्टीमेटली एक, मतलब क्या क्या कहेंगे हम कि एक को, एक को वन जो वैल्यू होती है इसको प्रतिशत में हम 100% लिख सकते हैं इस तरीके से. तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम 116 सही 2/3% को लिख सकते हैं 100 जमा में 16 सही 2/3%. हम इस 116 सही 2/3% को ब्रेक करके ये लिख सकते हैं 100 + 16 2/3%. आप इसको वापस ऐड कर देंगे, वही आ जाएगा 116 सही 2/3%. तो देखिए ये हो जाएगा आपका 100% और ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%. तो 100% का अभी आपने देखा क्या रहता है, 1, और 16 से 2/3%, ये हम अभी पीछे लिख के आए हैं, इसकी फ्रैक्शन क्या रहती है आपकी 1/6. तो अब आप एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी 7/6. तो मतलब क्या कि 116 सही 2/3% की अगर आप